नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कंगना रनौत की फिल्म तेजस को लेकर अभी तक यही खबरें सामने आई है कि फिल्म का प्रदर्शन जो है वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं रहा। सिनेमाघरों में ज्यादा लोगों की भीड़ फिल्म को देखने के लिए नहीं उमड़ी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए इस फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर एक अलग पूरा बंदोबस्त किया गया था, अलग स्क्रीनिंग उनके लिए रखी गई थी, जिसमें कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री साथ मिलकर ये फिल्म देखने वाले थे। ऐसे में कंगना रनौत को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। योगी आदित्यनाथ फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को अच्छा वक्ता मानते हैं। उनके बारे में सीएम योगी कह चुके हैं कि वो बहादुर महिला हैं। दोनों कई बार मिल चुके हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज तक कंगना रनौत की एक भी फिल्म नहीं देखी थी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कंगना रनौत ने अयोध्या पर फिल्म बनाई। उन्होंने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता पर भी फिल्म की है। जब उनसे पूछा गया कि आपको कंगना रनौत की कोई फिल्म देखने का मौका मिला है, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन चुनाव के बाद वो जरूर कंगना रनौत की फिल्म देखेंगे। ये बात 2022 विधानसभा चुनाव की है। अब ठीक 1.5 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना ये वादा पूरा कर दिया है। यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ लोकभवन के ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां फिल्म तेजस की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। यूपी के दर्जन भर मंत्रियों और सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसरों के संग उन्होंने फिल्म तेजस देखी। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत खुद मौजूद भी रही। वैसे इस फिल्म के स्टार कास्ट से योगी आदित्यनाथ पहले ही लखनऊ में मिल चुके हैं। उसी समय उन्होंने कंगना को फिल्म की सफलता की शुभकामनाएं भी दी थी। सीएम योगी इससे पहले कंगना रनौत की 2 फिल्मों के ट्रेलर देख चुके हैं। ऑडिटोरियम से बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि देशभक्ति की ये फिल्म लोगों को देखनी चाहिए। कंगना समेत बाकी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। फिल्म तेजस से पहले भी योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी देख चुके हैं। आज तेजस की स्क्रीनिंग में सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ रहे। फिल्म तेजस रिलीज होने से पहले प्रमोशन के लिए कंगना रनौत अयोध्या गई थी, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए थे। तेजस फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज हुई, लेकिन कमाई के मामले में इस फिल्म का अब तक कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। ये फिल्म एक पायलट तेजस की कहानी है। तेजस का रोल कंगना रनौत ने किया है। तेजस को एक खुफिया एजेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है। हालांकि 27 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हुई, लेकिन अच्छा खासा कोई खास प्रदर्शन फिल्म का नहीं रहा है, जिसके बाद अब एक तरीके से कंगना रनौत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फिल्म देखने की अपील की, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईएएस अफसरों, आईपीएस अफसरों और अपने दर्जन भर मंत्रियों के साथ फिल्म तेजस को देखा। हालांकि एक तरीके से ये भी माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी है, उनकी ये फिल्म देखने के बाद हो सकता है कि फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में यहाँ पहुंच जाए, जिससे कंगना रनौत की फिल्म थोड़ी चल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।